सपोज करो मैंने आपसे एक एक्सपेरिमेंट कहा, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, इसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट को मैं m मास को h हाइट ऊपर ले आया, इसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ा और मुझे फोर्स लगानी पड़ी mg। और मैंने अभी अभी बताया मैंने कितना वर्क डन किया, फोर्स इंटू एच इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या बनेगी, एफ की जगह आप पुट कर सकते हैं कितना, एम जी, और इंटू एच, आंसर एम जी एच है, बात हो गई खत्म। अब सेम क्वेश्चन है कि फिर से एक मास पड़ा हुआ है एम, और इस मास को मैं एम मास को एच हाइट ऊपर लेके जाना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने इसमें वर्क डन किसने किया था, मैंने मैंने किया था, ये फोर्स किसकी है, मेरी, और फोर्स कहां लगा रहा था मैं, ऊपर। अब तुम मेरी बात मत सुनो, तुम ग्रेविटी की बात सुनो, अर्थ से पूछो कि तुमने कितना काम किया इसके ऊपर। अर्थ कहते मैंने, मैं तो चाहते ही थे ऊपर जाए, ये तो पता नहीं कैसे ऊपर चला गया, तो आपने बताया अर्थ को कि मैंने कि मैं इन्होंने ऊपर उठा, कहता था मैं नहीं जानती किसी को, मेरे को इतना पता ये ऊपर चला गया, कोई भी ऊपर ले जाए मेरे को मतलब नहीं है, मेरी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गई, ऊपर, तो मेरे नजरिए में तो ये ऊपर चला गया लेकिन मैं फोर्स लगाती रह गई नीचे, तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ क्या बनेगा, 180, जो कि क्या है, -1। अब तुम ग्रेविटी से अगर पूछोगे तो कि ग्रेविटी की फोर्स ने कितना काम किया, तो ग्रेविटी की फोर्स कहती है मैंने -mgh किया है, लेकिन तुम मुझसे पूछो कितना काम किया तो मैं बोलता हूं mgh है कि नहीं, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट ही होगा, लेकिन फोर्स की जगह एनर्जी में हो गई कि किसने आंसर दिया, ठीक है। यहां पे वो खेल जाएगा क्वेश्चन पूछने वाला, वो कभी पूछेगा कि मैंने कितना काम किया, कभी पूछेगा ग्रेविटी ने कितना काम किया, और यहां माइनस में फंसे रहोगे। तो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी, किसने काम किया ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव माइनस में गलत होना लिखा ही लिखा है, 100% होगा, आपको लगेगा क्योंकि मैं दोनों आंसर होंगे, एम जी एच भी होगा माइनस एम जी एच भी होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहां तक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अब मैं ऊपर से नीचे लेके आना चाहता हूं, हाइट एच नीचे, या मैं कर रहा हूं वर्क डन, मैं लेके आना चाहता हूं, तो मैंने फोर्स कहां लगाई, नीचे। चलो मेरे को वैसे फोर्स लगाने की जरूरत भी क्या थी, मैं तो उसको ड्रॉप ही कर देता हूं, मैं क्यों फोर्स लगाऊंगा, तो ग्रेविटी अपने आप ही वर्क डन कर देगी और ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। ग्रेविटी कितना काम करेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी इंटू एच, इस बार अगर मैं निकाल लूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही है, हाइट भी इस बार नीचे है, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, प्लस एम जी एच, सही है यहां तक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी का अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस क्यों लगता है, और नीचे आने में तो प्लस लगता ही लगता है। पहला स्टेप यहां तक क्लियर है। इस चैप्टर में या फिजिक्स में मेरा वर्क डन, मेरा वर्क डन, मैंने किया मैंने किया, तो वर्ड होता नहीं और लिखा नहीं होता कि हिसाब में मैंने किया, तो फिर एक नाम दिया जाता है मैंने को, मेरे को नाम दिया गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो जैसे पीछे वाले केस में दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब कोई होगा तुम में से या मेरे में से एक है एक्सटर्नल, और दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल का वर्क डन तो पॉजिटिव है लेकिन ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, और क्यों नेगेटिव है ये बात सबको समझ में आती है, कोई डाउट इसमें।